दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी थी मेरे वेट गेन की ट्रांसफॉर्मेशन करने में, और इन चीज़ों से मैंने अपना वज़न बहुत ही तेज़ी से बढ़ाया था। इस वीडियो को पूरा देखेगा आपको भी आंसर मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ ये स्किनी लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा पतले हैं, वीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों लोगों के लिए, चाहे वो टीनेजर ही क्यों ना, वो इन चीज़ों को फॉलो करके अपना वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। महीने में नहीं जा तो 8 से 10 किलो या 12 किलो तक भी वो गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी थी, अपनी डाइट में ऐड करा था, वो था लिक्विड कैलरीज। अब लिक्विड कैलरीज में क्या आता है, जैसे कि आप कह सकते हैं घर का बनाना शेक, घर में मैंगो शेक बनता है। अब मैंगो शेक बनाना शेक तो वो तो हाई कैलरीज है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी अच्छी खासी मात्रा में होता है। अब प्रोटीन का क्या करेंगे, प्रोटीन के लिए मैं लेता था साथ में वे प्रोटीन, या फिर जैसे वे प्रोटीन खत्म हो तो कभी मैं लेता था 3 या 4 बॉयल एग्स। इस तरीके से अपनी डाइट में ज़्यादा कैलोरीज लेता था, और एक दिन में मैं लगभग नहीं जा रहा तो 2 से 3 शेक पी लेता था, और लगभग 2 से 3 शेक पीने में लगभग मेरे को मिलती थी 900 से 1000 कैलोरीज या 1100 कैलोरीज आसपास मेरे को मिल जाती थी। तो 1100 कैलोरीज मेरे को वहाँ मिल गई, तो कहीं ना कहीं मेरे को 900 या 1000 कैलोरीज डाइट से खानी होती थी, जो कि बहुत आसानी से हो जाता था। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों आती है, मैंने क्या ऐड ऑन करी थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है मैंने अपनी मील्स को डिवाइड कर लिया था। मैं एक बार में ज़्यादा खाना कभी भी नहीं खाता था, मैं जब भी खाता था मैं कम से कम एक दिन में 4 से 5 बार खाना खाता ही था। 3 तो नॉर्मल होता है, एक बार लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, मतलब सॉरी ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। मैंने क्या करा था, मैंने करा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट से पहले भी मैं अर्ली मॉर्निंग वाली मील लेता सुबह उठने के साथ, जैसे कभी मास गेनर एम्प्टी स्टमक पी लिया, या कभी बनाना शेक पी लिया, या कभी मैंने कुछ चने वने खा लिए, स्प्राउट्स खा लिया, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करता था। फिर अब उसके बाद बारी आती थी लंच की, तब मैं लंच में क्या करता, लंच में जैसे मैं सबसे जो मेन चीज़ होती लंच में रखता था राइस। राइस कम से कम आप कह सकते हैं कि आप मेजरमेंट के साथ बताऊँ तो इतना आप कह सकते हैं, इतना मैं राइस खाया था। और साथ में रखता था कभी चिकन ब्रेस्ट रखता था, कभी मैं रखता था कि पनीर 80 या 90 ग्राम के आसपास कभी मैं पनीर रखता, तो इस तरीके रहता था। मतलब राइस मेरा मेन था ही, वो हमेशा रहता था, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे आपका बहुत ही तेज़ी से वज़न बढ़ता है। अगर आपने एक दिन में 2 बार राइस खाना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, सच में, यकीन मानिए। तो ये खाता था, और उसके साथ में सैलेड। और शाम वाले में मैं किस तरीके रखता, शाम वाले में ऐसे रहता मैं कि शाम वाले जैसे मैंने एक बार आपको बताया कि जैसे मैंने एक बार और शेक पी लिया, तो शाम वाले में भी मेरा शेक ही रहता था, वही मॉर्निंग वाला जैसे मैंने आपको बताया, कभी शेक पी लिया तो वही सेम शाम को रहता। रात के टाइम ऐसा रहता है, रात के टाइम जो भी घर की बनी सब्जी हो, जो भी कुछ भी हो, उसके साथ एक स्कूप वे प्रोटीन ले लिया, फिर उसके साथ 2 या 3 चपाती हो वो ले लिया, थोड़ा सा राइस हो वो ले लिया, थोड़ी सी दाल हो वो ले लिया, लगभग घर का ही खाना, कुछ ऐसे फैंसी नहीं। और इन्हीं सब खाने से मैंने लगभग आप कह सकते हैं महीने में 8 से 10 किलो आराम से बढ़ा लिया था। अगर आपको फोटो साइड में देखेगी, मैं आपको दिखाता रहूँगा, आप देखते रहिएगा फोटो भी साइड में, ठीक है। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे हमारा, वो भी खाने से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी खास चीज़ें हैं जिनको खाने से आप कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी से आपका वज़न बढ़ने में मदद करेगा। ये कह सकते हैं एक टॉप सीक्रेट भी है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोफेशनल लोग भी इसको यूज़ करते हैं जब वो ऑफ सीज़न पर जाते हैं वज़न बढ़ाने के लिए। बताऊँ क्या है, वो है आपका चीज़ और पनीर, हाई फैट वाली। अब इसमें होता क्या है कि चीज़ में आपके बहुत ही ज़्यादा, आपको एक स्लाइस में लगभग आप कह सकते हैं नहीं जाए तो 120 कैलोरीज के आसपास, 120 से 150 कैलोरीज आपको एक चीज़ स्लाइस में मिलती है। अगर आपने 3 चीज़ स्लाइस खा ली, इतनी पतली पतली सी चीज़ स्लाइस होती हैं, उनको आपने खा लिया नॉर्मल भी, तो आप लगभग कह सकते हैं 450 कैलोरीज आपके हाथ में होगी एक ही बार में। आपने एक ही बार में 350 कैलोरीज खा लिया, ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं होता। अब बात करें पनीर की भी, पनीर अगर आपने 50-60 ग्राम खा लिया पनीर, तो आप कह सकते हैं लगभग 180 या 190 कैलोरीज के आसपास आपको उसमें मिल गया 50-60 ग्राम में। 190 से अगर वो हाई फैट वाली पनीर हो, मतलब भैंस के दूध की अगर वो बनी हो, तो लगभग उससे 200 से ऊपर कैलोरीज चली जाती है 50 से 60 ग्राम पनीर में। अब सोचिए इतनी ज़्यादा कैलोरीज आपको इसमें मिलती है, तो आपको और कहीं क्यों भटकना। और दूसरी बात, बजट के हिसाब से चीज़ स्लाइस भी अगर आपने एक दिन में 3-4 ऐड कर ली, 3 ऐड कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ऑल्टरनेट डेज में भी चीज़ खाएं, यानी कह रहे रोज़ खाएं, ऑल्टरनेट डेज में भी खाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा, वजन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, सच बता रहा हूँ आपको। चौथी चीज़ आती है दोस्तों कि एक्सरसाइज करने के बाद आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब लोग करते क्या हैं कि भाई हफ्ते में 7 के 7 दिन एक्सरसाइज दबा करके करते हैं। अब हफ्ते में एक भी दिन जो रेस्ट नहीं लेता, तो वहाँ स्किनी वाले जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, ये उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। उनको इतना भ्रम में डाल देते हैं कि भाई हफ्ते के 7 के 7 दिन जिम माना है तभी तेरी बॉडी बनेगी। ये कौन कहता है भाई, ऐसे मत करिए। जब तक आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी, तब तक आपकी बॉडी रिबिल्ड कैसे होगी। और खासकर हम लोग तो एक नॉर्मल पर्सन है, हम लोग अपने आप को थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहते हैं बॉडी में, थोड़ा बहुत वजन बढ़ाना चाहते हैं, 5-10 किलो थोड़ा बहुत वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हफ्ते में 5 या 6 दिन भी जिम इनफ है, अगर वो ठीक से करे तो, अगर वो डाइट ठीक से ले रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है 7 दिन जिम जाने की, आप हफ्ते में 6 दिन भी करिए तो भी बहुत बड़ी बात है। अब बताता हूँ क्यों। देखिए होता क्या है कि जब भी आप मसल को तोड़ते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो एक मसल को अगर आपने अच्छे से डैमेज कराया तो 48 घंटे लगते हैं रिपेयर होने में। अगर आपने लगातार करते रहे तो वो मसल भी आपका रिपीट
रिपीट आता गया, तो वो आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ने के बजाय आपकी बॉडी में वीकनेस बढ़ा देगी। आप इतना वीक फील करेंगे, आप कोई भी डेली एक्टिविटी कर ही नहीं पाएंगे, ना उठना बैठना कर पाएंगे, ना कहीं कुछ अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स हो गया, ना एक्टिविटी कोई कर पाएंगे, आपके बॉडी में हमेशा दर्द रहेगा। और बॉडी आपके बढ़ने के बजाय घटने लगेगी, आपका वेट बढ़ेगा नहीं उल्टा घटेगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपने हफ्ते में 4 से 5 दिन ही एक्सरसाइज करनी है और अपनी कैलरीज को बचा के रखना है। जो आप एक्सरसाइज करते हो, जो फालतू एक्टिविटी करते हो, उससे कैलरीज भी बर्न होती है, तो उन कैलरीज को बचा के रखना ताकि आपका वजन बढ़े ना कि घटे। पांचवी और आखिरी चीज़ आती है दोस्तों, आपको जो ध्यान रखना है अपना, कि आपको अपनी डाइट में हाई फाइबर फूड्स ऐड करके रखना है। क्योंकि जितना आपका पेट ठीक रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, उतना आपके बॉडी में खाना पीना जो आप खाते हो लगेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं आपको डाइट प्लान बता भी दूँ, सब चीज़ मैंने आपको दे दी, आपके डाइजेशन ठीक नहीं, आपके खाना शरीर में ठीक से लगता ही नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। पहले हफ्ते आपको जो भी मास गेनर वे प्रोटीन जो भी आप ले रहे हैं, जो भी डाइट आप फॉलो कर रहे हैं, आप देखें एक दो हफ्ते में, चलिए दो हफ्ते में देखें आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आए, एक आध किलो बढ़ा नहीं बढ़ा, 500 ग्राम मतलब कुछ ऊपर नीचे हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तब फिर से पूछे जिसने आपको डाइट प्लान दिया, चाहे मैंने दिया चाहे किसी और से, किसी और ने दिया, तो उनसे पूछे भाई मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है अभी भी, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे भाई कि आपके डाइजेशन में इशू है, आपका वेट नहीं बढ़ पा रहा है, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन ठीक से नहीं लग पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगी। तो उन सब चीज़ों के लिए वो आपको सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे, सप्लीमेंट देंगे, तब जब वो खाना शुरू करेंगे तो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन बेटर होगी, तब आपका वेट बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रख के चलना होता है। तो दोस्तों यही कुछ 5 चीज़ें थी जिनको मैंने फॉलो करा था, इन चीज़ों को मैंने ध्यान रखा था, क्योंकि मेरा तो कोई ट्रेनर था नहीं, मैं अपना ट्रेनर खुद ही था, मैं अपना ध्यान खुद ही रखता था, जैसे भी था जो भी मैंने जैसे तैसे वेट गेन करा, क्योंकि ट्रेनर से अच्छा मैं खुद जान पा रहा था, क्योंकि वो क्या करते थे बस पैसे, पैसे के लिए बताते थे। अच्छा चलो पैसे लेके बता दे, तब भी पूरी बात ना बताएं, आपको पैसे केवल ट्रेनिंग के लिए देंगे, ट्रेनिंग के बाद भी बोलेंगे कि आप डाइट का अलग से पैसा, आप सप्लीमेंट के लिए अलग से पैसा, सबके लिए अलग से पैसा। और ये भी नहीं कि ठीक है एक रेंज में, मतलब आँख बंद करके जितना मांगना चाहे वो मांग ले, कोई एक उन्होंने रेंज नहीं बना रखी भाई इतना लेना है इतना लेना है, कुछ भी नहीं, आँख बंद करके जितना मर्जी चाहे लेना ले लो। अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो अलर्ट रहिए, मान लीजिए मेरे को सुन रहे हैं, आप किसी और को सुन रहे हैं, उनको ऐसे फॉलो करिए, सुनिए और यही चीज़ें अप्लाई करिए, और आपका कहीं ना कहीं वजन बढ़ जाएगा। किसी के पास आपको भागने की जरूरत नहीं है, वजन बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अभी बढ़ाएंगे तभी बढ़ाएंगे, कभी भी बढ़ जाएगा आपका वजन, अभी नहीं बढ़ा तो कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, बढ़ेगा वजन जरूर। किसी के पास भी आपको भागने की जरूरत नहीं है, जब तक आप कॉम्पिटिशन नहीं खेले, जब तक आप प्रोफेशनल नहीं जा रहे हो, या जब तक आपके पास ज़्यादा समय नहीं है कि इन सब चीज़ों पर रिसर्च करने का, तब आप जाएँ ट्रेनर के पास, कि आपके पास पैसा ठीक ठाक है, आप जाएँ, आपके पास इतना रिसर्च का टाइम नहीं है, तो जितना जैसे तैसे बता रहे पर्सनल ट्रेनिंग लेकर कर लीजिए। अगर आपके पास पैसा कम है, बजट टाइट है, आप बहुत मेहनत से कमा रहे हैं, अपनी डाइट में अपने आप को फिट रखना चाह रहे हैं, तब आप खुद से जानिए, हम लोगों को देखिए, कोई और लोग उनको फॉलो करिए। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं, जो भी जैसे होता है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इन्हीं 5 चीज़ों को फॉलो करके आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाइट प्लान चाहिए, क्या कैसे कौन सी डाइट खानी चाहिए हमें वजन बढ़ाने के लिए, तो हमें को इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, यहाँ पर आपको आईडी दी जाएगी, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके हाइट और एज वेट के अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।